अब मैं शिक्षा निकेतन की प्रिंसिपल साहिबा सुमिता डे जी से मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं और श्री राजेश जी से मैं अनुरोध करता हूं वो बुके लेके सम्मानित करें। और मैं चाहता हूं कि वो दो सब बच्चों के लिए प्रोत्साहित भरे स्वर से बच्चों को अपना संदेश दें। A very good evening to everyone present over here. Chairman of Proud TV, Mr. Rajesh, Mr. Dharmendra Kumar Ji, judges, principal of Vivek Vidyalaya, Mr. Avdesh Kumar, Uma Maheshwari Ji, all the parents present over here, and my beloved children who are the stars of this evening, the participants. I got very few opportunity to hear you at the end of the program, but one thing we'd like to say, children, we really appreciate the work of Proud TV, which is the demand of the society today. This is at least in one platform, once again they compel us to think about the fact, the issue, that how important this morals or ethics are. And I think हमारे साथ आप सभी इसमें सहमत होंगे, धीरे धीरे हमारे समाज से कहीं ना कहीं ये संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो अवलुप्त होते जा रहे हैं. Do you agree with me, friends? आप सहमत हैं इस बात में? हमारे जमाने में हम जब छोटे थे हमारे पेरेंट्स को किसी ने बोला, आई थिंक विकास कुमार द पार्टिसिपेंट जस्ट द लास्ट पार्टिया ही टोल्ड अबाउट दैट कितनों ने आप पैर छूते हैं माता पिता के सुबह उठ के, हार्डली वी फाइन गुड फाइन वेरी नाइस वी अप्रिशिएट रियली टू ऑल द चिल्ड्रन यू टू. एक्चुअली ये हमारे समय में हम लोग ये शुड थिंक When we used to get up, even now also, हम सबसे पहले प्रे करते हैं भगवान के, उसके बाद नेक स्थान होता है माता पिता के. एंड ये कहा जाता है कि माता पिता जिन्होंने जन्म दिए उसके बाद जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे जीवन में वो है गुरु. उस गुरु का भी सम्मान उसी कदर होना चाहिए जिस तरह हम भगवान या माता पिता के सम्मान करते हैं. लेकिन आज के दौर पर ये गुरु को बोलना पड़ता है कि ये गुरु है, ये आपके टीचर्स हैं, ये सम्मानीय है, इसे आपको सम्मान करना चाहिए, जो रेस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए. व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डे बाई डे कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है, विच इज़ नॉट वेरी करेक्ट. इस दौर पर जहाँ की हमें ये संस्कार के बारे में कुछ ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, उसी समय प्राउड टीवी की इस तरह से उपस्थापना, इस तरह से कार्यक्रम डेफिनेटली सराहनीय है. जब बच्चे यहाँ पर आके प्रस्तुत कर रहे हैं, नो मैटर वो बोल पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, प्रस्तुत किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, समय कम मिला बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड. अभी अभी किस सारे बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ, किसी का सेकेंड टर्म हुआ, किसी का हाफ ईयरली हुआ, समय उनके पास भी कम है, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है. बट जब उन्हें इस टाइप का टॉपिक दिया जाता है डेफिनेटली दे विल थिंक वंस ट्वाइस और थ्राइस कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ, क्योंकि ये हमें लाइफ स्किल्स के बारे में शिक्षा देती है. आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, एजुकेशन के सहारे आप कितने भी हाई पैकेज वाले नौकरी में लग जाए, बट आपके अंदर अगर एथिक्स नहीं है तो वो एजुकेशन की काम ही क्या, वो नौकरी का मायने ही क्या, वो सैलरी पैकेज के आपके लाइफ में क्या मायने रखता है अगर आप अपने माता पिता को सम्मान नहीं करते, अपने बड़ों का कदर नहीं करते. Am I right? I think all of you agree. जिस कदर हम अभी तक वो सिलसिला जारी रखे हैं उस कदर हम चाहेंगे हमारे बच्चे, स्कूल के सारे बच्चे उसी तरह से अपने माता पिता गुरुओं को सम्मान करें. इट्स ओके, इट इज़ गुड दैट यू आर गोइंग फॉर अ हायर पोस्ट, यू आर गोइंग योर
रिसीविंग अ हाई पैकेज ऑफ सैलरी, लेकिन उसके साथ भी आपके पास सम्मान करने के लिए वो एथिक्स अगर नहीं रहा, मॉरलिटी नहीं रहा, कौन सही है कौन गलत है, किस तरह से उसे एक्सेप्ट करना है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है, ये समझ अगर आप पे नहीं है, ये समझ से आप अगर पढ़े हैं तो डेफिनेटली वो एजुकेशन का कोई मायने नहीं रखता. एजुकेशन विल बी कंप्लीटेड ओनली देन व्हेन इट इज इंक्लूडेड विद द मॉरल्स, विद द एथिक्स. इसी भावना के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे जिस तरह से प्राउड टीवी एंड एसोसिएट्स, दे आर सपोर्टिंग द सोसाइटी टू हेल्प अस टू improve our morals, to provoke us, to embark us with this type of thoughts, and we will wish that आगे चल के भी इन्होंने इनका ये सहयोगिता कायम रहेगा और हमारे बच्चों में इस तरह उन्होंने थोड़ा सा morals जो कि धीरे धीरे अवलुप्त होते जा रहा है उसे फिर से जगाने की कोशिश करेंगे. इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी. थैंक यू. इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो बन के. तो कहीं ना कहीं हम जो नेता है ना, वो नेतृत्व होती है नैतिकता, और नैतिकता तभी आएगी जब हम ईश्वर से जुड़ के रहेंगे. बिना ईश्वरीय शक्ति के हमें नैतिकता नहीं आ सकती. इसी के लिए जो फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड, आज के समय में बच्चों को अध्यात्म से अलग किया जा रहा है. ज़्यादा लोग मोबाइल फ्रेंडली हो रहे हैं, संवेदनाएं खत्म हो रही हैं. आज जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने सुबह में भी यही बात कहा था कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर माँ बाप के प्रति संवेदनाएं खत्म हो रही हैं, क्योंकि वो समाज में जो गरीबी आज है, आज करोड़ों लोग मर रहे हैं, आज करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज उनको वह सच का आईना दिखा नहीं पड़ रहा है. जब वो हाईली पैकेज पे जाते हैं तो फिर क्या है, हम जरूर अपने बच्चों का तारीफ करते हैं कि वो आईएएस और आईपीएस बन गया, लेकिन उनके अंदर आप झांक कर देखिए, वही बच्चे कल माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं. कारण यही है, कारण और कुछ नहीं है. कारण है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे, बच्चों को हम जोड़ नहीं पा रहे, उनकी संवेदनाओं में हम लोग उनमें काइंडनेस नहीं डाल पा रहे. ये एक बहुत बड़ी बात है. तो बच्चों को हम कैसे समाज से जोड़े, कैसे हम परिवार से हमें बाहर निकलना होगा. सिर्फ हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो समाज करे, बिना अगर समाज को हम सुरक्षित तभी कर सकते हैं जब हम समाज के बारे में सोचेंगे. क्योंकि हमारा घर सुरक्षित है लेकिन समाज सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते. तो इसके बाद मैं उमा महेश्वरी जी, जो विवेक विद्यालय के